हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस्ट लेकर आई हूँ। मुझसे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो हमने एक पैटर्न और भी डाल रखा है थालपोस्ट का इसी तरीके से। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखें। और तोरण के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो तोरण का वीडियो भी हमने कल शेयर किया था, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया था। नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट करें। तो इस तरीके से मैंने एक मोती वाला थालपोस्ट बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ऊन इसमें 100 ग्राम लगती है, 100 ग्राम ऊन लगती है, ठीक है। और बहुत इजी है बनाना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले 9 चैन ली हैं। 9 चैन लेने के बाद हम इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेने के बाद इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, चैन को काउंट किया तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, टोटल इसके अंदर हमें 22 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, इतना बन गया है। अब हम फर्स्ट वाली चैन में डालकर इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए, अब इसमें डालकर हम इसको इस तरीके से फंदा बनाएंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए, सेम इसी जगह डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और बना लिया, तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके पास वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में हमें 2 बनाना है, ठीक है। इसमें हमने 1 बना लिया, अब इसके पास वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 वापस डालेंगे, 2। तो जिनको नहीं बताया उनको हम बता दें, डबल क्रोशिया जो 2-2 करके फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, एक में 1 बनाना है, एक में 2 बनाना है। इस पूरे रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इतना बन गया। फिर से हम फर्स्ट वाली चेन में डालकर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ पर डालेंगे इसको, इस एक फंदा बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसी जगह डाल के 1 डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद इसमें 1 बनाएंगे, इसके पास वाले में भी 1 बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें फंदा बढ़ाना है, 2 हो गए। अब इसमें देखिए, हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1-2, ठीक है। एक में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 में हमें 1-1 बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से बनाना है। एक में 1 बनाएंगे, देखिए 2 में हमें 1-1 बनाना है, फिर तीसरी वाले में हमें 2 बनाना है। तो इस तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया, 1-2-3 रो हमने कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे और चैन बनाएंगे। तो देखिए, 30 चैन बनाएंगे हम, 30 चैन बनानी है। आप चाहें तो 40 चैन भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 30 चैन बना ली है। अब इसके पास वाली चैन में डालकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो आप 30 बना सकते हैं, आप 40 बना सकते हैं। अब फिर से हम देखिए, 30 चैन बनाएंगे, फिर इसके पास वाली में डालकर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर से हम सेम रिपीट करेंगे। इसी तरीके से हमें चैन बनानी है और हर चैन में इसको ज्वाइन करते जाना है। तो इस तरीके से हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चैन में ऊन को ज्वाइन कर लेंगे। तो राइट साइड से हमें करना है, सीधी साइड से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हम 3 चैन बनाएंगे, 1-2-3। 3 चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह हम फिर से डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को काउंट किया तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। वापस डालेंगे इसके अंदर, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरीके से हम इस एक दूसरी चैन लेंगे, दूसरी पकड़ेंगे इसके पास वाली, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, 1। देखिए, 3 बनानी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली में भी सेम करना है।
इसमें भी हम करेंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो सारी चेन में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है हर चेन में, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। हर चेन में हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद। देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, अब हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ली। अब जितनी भी आपको चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो में हमें जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें। सब्सक्राइब के सामने ऑल बनाए, आप उसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, ज़रूर चेकआउट करें। अब देखिए हमने पूरी रो कम्प्लीट कर ली, अब इस रो में हम क्या करेंगे, देखिए एक दो तीन, तीन चेन ली हमने, सेम इसी जगह डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चेन को काउंट करके तीन डबल क्रोशिया हो गया। देखिए हम एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में डाल के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें नौ बार रिपीट करना है इसको, तो अभी हमारे पास दो बार डिजाइन बन गई है, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। टोटल नौ बार हमें बनाना है, ठीक है। तीन बार हो गया, देखिए इस तरीके से एक चेन में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ बार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, चार चेन लेंगे और मोती हमने पहले से ही ऊन में डाल लिए हैं। तो चार चेन लेने के बाद मोती का साइज बताएं, तो हमने तीन नंबर के मोती लिए हैं। आपके पास जैसे भी मोती हैं आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए हमने चार मोती ले लिए, अब इस मोती को हमने आगे करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फंदे को ऐसे निकालना है तो मोती बंध जाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम तीन चेन छोड़ेंगे और चौथी वाली चेन, सॉरी तीन चेन बनाएंगे, सॉरी चार चेन बनाएंगे पहले और फिर तीन चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन, चौथी वाली चेन में डाल के सेम इसी जगह हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया हमारे पास, वापस डालेंगे दो तीन। अब देखिए फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक चेन छोड़ना है हमें। तीन हो गया, फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में डाल के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी हमने नौ बार बनाई थी डिजाइन, वैसे ही हमें नौ बार फिर से बनानी है। तो अभी हमारे पास तीन हो गई, देखिए जैसे हमने अभी नौ बार बनाई थी डिजाइन, फिर मोती लगाए थे, वैसे ही हमें करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हो गया। फिर से हम चार चेन लेंगे, देखिए चार मोती लेने हमें, इसको ज्वाइन, सॉरी पहले चार चेन लेंगे हम, एक दो तीन चार, फिर चार मोती लिए, मोती को आगे करके इसे हम चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, फिर से हम तीन चेन छोड़ेंगे चौथी वाली चेन में डालकर, एक दो तीन छोड़े चौथे वाले में डालकर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह। तो इस रो को हमें ऐसे ही रिपीट करना है। नौ डिजाइन बनाने के बाद हमें मोती लगाने हैं। देखिए एक चेन छोड़ी, सेकंड वाली चेन में डालकर फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे पास दो डिजाइन हो गई है। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से छः बार मोती का डिजाइन आई है, छः बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रो में सेकंड रो है हमारी, तो हमने सबसे पहले चार चेन ले ली, इसको पहले हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर डालकर जॉइन करेंगे।
अब देखिए फिर से हम फिर यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे। तो अभी हमने 9 पैटर्न बनाए थे, 9 डिज़ाइन बनाई थी, अब हमारे पास इस रो में 8 डिज़ाइन हो जाएंगे। ठीक है, 3 चेन ली, सेम इसी जगह डालेंगे, चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गया, वापस डालेंगे इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, इसके पास वाली जो पास में गैप दिख रहा है इसमें डालकर 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, 1 2 3, देखिए 2 बार हमारी डिज़ाइन बन गई, इसमें डालकर बनाएंगे हम 3 बार हो गई हमारी डिज़ाइन, इसमें डालकर बनाएंगे हम 4 बार हो गई हमारी डिज़ाइन, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें बनाएंगे हम 5 बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 9 बार बनाई थी, अब हमारे पास 8 बार हो गई है। अब फिर हम 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद फिर से हम 4 मोती लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको फिर से हम आगे करके और इस तरीके से बांधेंगे मोती को। अब इसको फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसमें डालकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन ली हमने, फिर से हम 4 मोती लेंगे, मोती लेकर फिर से हम इसको सेम तरीके से बांधेंगे। अब हम 1 2 3 4, लास्ट में और स्टार्टिंग में हमें 4 चेन लेनी है, बीच में हमें 3 चेन लेनी है। ठीक है, अब इसमें डालकर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस डालेंगे, 2 और 3, देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से पहले एक मोती आया, फिर अभी 2 मोती की डिज़ाइन आ गई। अब फिर से हम 8 डिज़ाइन बनाएंगे, 8 हमने बना लिए। ठीक है, फिर से हम सेम रिपीट करेंगे, 4 चेन लेंगे, 4 मोती लेंगे, मोती को आगे किया, इनको बांधेंगे, फिर 3 चेन लेंगे हम और इसमें डालकर बीच में डालेंगे इसमें और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर से हम 3 चेन ली, 4 मोती ली, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें 4 चेन लेनी है, बीच में हमें 3 चेन लेनी है। ठीक है, तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर डालकर डिज़ाइन बनाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो कंप्लीट कर लिए, अब इस रो में हमारे पास 7 बार डिज़ाइन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे फंदे इधर डिज़ाइन में घटेंगे और मोती में बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से हम 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद फिर से देखिए हम 4 मोती लेंगे। तो अगर जैसे कि आपकी पतली ऊन है आपके पास और आपको लगे कि झोल आ रही है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में जो मैं 4 चेन ले रही हूँ आप इसकी जगह 5 चेन ले सकते हैं, 6 चेन ले सकते हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। देखिए फिर से हमने 3 चेन ली, इसमें डालकर इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, अब फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद फिर से हम 4 मोती लेंगे। देखिए 4 मोती लेके फिर से हम बांधेंगे, फिर 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3। अब इसको हम दूसरे वाली डिज़ाइन में, दूसरे वाले मोती में हम यहाँ पर डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा। 2 बार हो गया, अभी एक बार हमें और बनाना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर 4 मोती लेंगे, फिर से हम इसको डालकर 3 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में 4 चेन लेनी है और बाकी सब में हमें बीच में 3 चेन लेनी है। ठीक है, अब 3 बार हमारे मोती की डिजाइन आ गई है। अब फिर हम इसको यहाँ पर डालकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए अभी हम आपको रख कर दिखा दें, देखिए
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छः हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फंदे घटते जाएंगे और यहाँ पर बढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग में एक बनाए, फिर दो, फिर इस तरीके से तीन हो गए, इसके बाद 4 5 6 इस तरीके से हमारे बनते बनते लास्ट में 9 मोती की डिजाइन आ जाएगी और यहाँ पर हमारी घटते हुए एक रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है। थोड़ा सा हम आपको और दिखा दें, देखिए 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद फिर हम 4 मोती लेंगे। देखिए 4 चेन ली, फिर से 4 मोती लिए, फिर इसको बांधेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और हम इसको यहाँ पर डालकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3, फिर 4 मोती लिए, फिर इस तरीके से हम 3 चेन लेकर दूसरे वाले मोती की डिजाइन में इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 चेन लेंगे, देखिए 2 बार हो गए हमारे पास, फिर 3 चेन ली, इसको हम ज्वाइन करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे हम, फिर 4 मोती लिए, फिर से इसको बांधेंगे, फिर 4 चेन लेंगे हम। अब हम इसमें डालकर देखिए 4 बार हमारे पास मोती आ गए। अब इसमें डाल के हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक ही जगह डाल के 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, ऊपर तक हमें ऐसे ही लेकर जाना है, सिंपल है, आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए तो हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे, मोती की जगह फंदे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे फंदे घटेंगे, ठीक है। यहाँ पर बढ़ेंगे, 1 2 हो गए, 3 हो गए, अभी 4 हो गए, इसी तरीके से हमारे लास्ट में 9 डिजाइन आएंगी मोती की और यहाँ पर एक रह जाएगी। देखिए इसमें हमारी लास्ट में एक रह गई है और यहाँ पर मोती बन गए। तो ये इस जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 5 करें, 6 करें फंदे, और बाकी सब में आपको 3 3 लेने हैं। मोटी ऊन है तो आप सेम इसी तरीके से बनाएं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर प्रेस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए। बाय।